चलिए अभी तक हमने क्या कर लिया, इसके अंदर सिंपल वाला केस कर लिया, इसके बाद ओवर सब्सक्राइब का पॉइंट देख लिया है ना, अंडर सब्सक्राइब वाला थर्ड था। ओवर सब्सक्राइब में कितने पॉइंट देख लिए थे हमने, तीन देख लिए थे, एक सारा रिजेक्ट हो जाए, एक सारा एडजस्ट हो जाए, एक पार्टली एडजस्टेड और पार्टली रिजेक्टेड। अब बात करेंगे अंडर सब्सक्राइब का। अंडर सब्सक्राइब का सबसे आसान है, अंडर सब्सक्राइब सबसे पहले, अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या है, अंडर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब का मतलब है कि शेयर्स कम बिके। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम अंडर सब्सक्राइब कितना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, तो जवाब है सर 90% से नीचे हमारा जा ही नहीं सकता शेयर। इस बात का ध्यान रखना, जैसे कि अगर मैंने शेयर मार्केट में 100,000 नंबर ऑफ शेयर्स में बेचने के लिए जाऊँगा, तो अगर मेरे शेयर्स बिकते हैं 80,000, तो इसका मतलब 80% बिक पाया हमारा शेयर, तो कंपनी को शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। यानी अपनी कोई भी कंपनी अपना शेयर तभी इशू कर सकती है जब कम से कम 90% उसके शेयर्स बिक जाए। ज़्यादा तो जितने मर्जी हो, तो उसको तो हम प्रोराटा बेसिस जो भी है हम एडवांस का एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कम से कम कितना बेचना है आपको, 90%। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए आपका, 90%, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने इशू किया, सिंपल सिंपल अभी पॉइंट देख रहे हैं, 10,000 एंड एप्लीकेशन रिसीव जो है वो सपोज करो, मान लेते हैं कि हमने करा 9500, क्या सिंपल 9000, और 10 रुपये का एक शेयर है। 10 रुपये के शेयर्स की बात करें तो मान लेते हैं 2 रुपये, 5 रुपये और 3 रुपये, ये है पहली एंट्री। देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करा करते थे एप्लीकेशन रिसीव से, यहाँ पर देखना कुछ, बस मान के चलो ये सिंपल सा पॉइंट है, बस मैं करवा रहा हूँ, वैसे आपको पता ही चल जाएगा। ये टू शेयर एप्लीकेशन, बताइए कितने से करेंगे, बिल्कुल बस यहाँ पे कैच पॉइंट यही है, सारी एंट्री 9000 से ही होनी है यहाँ पे, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सारी एंट्री किससे होगी आपकी, 9000 रुपये से होगी, और कोई पॉइंट नहीं है। पहले वाले पॉइंट में क्या था, सिंपल में इशू से करते थे, दूसरे वाले में एप्लीकेशन रिसीव से करते थे, ठीक है ना। अब इसके बाद अगली एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, सेम वही रहेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब तीसरी एंट्री करेंगे, बताओ किससे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट वाली, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल किससे करेंगे बताइए, एग्जैक्टली 9000 से। यानी यहां पे स्टार्ट भी 9000 से होगा और एंड भी 9000 से होगा, तो ये कितने आ जाएंगे, 45,000। बस मुझे आपको ये समझाना था पॉइंट कि सारा का सारा हमारा अब ये एप्लीकेशन रिसीव से होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर हमारा अंडर सब्सक्राइब हो तो सारी की सारी जनरल एंट्री हमें करनी चाहिए एप्लीकेशन रिसीव से, ना कि इशूड से, यही होगा। लेकिन ओवर सब्सक्राइब होता है तो हमें पहली एंट्री करनी पड़ती है एप्लीकेशन रिसीव से, बाकी इशूड से करते हैं, याद आ रहा है। और जब फुल्ली सब्सक्राइबर तब तो एक ही पॉइंट, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगली एंट्री क्या करेंगे, बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर अलॉटमेंट, और ये आ जाएगा मेरा 18,000 रुपये। कोई डाउट है तो बताइए इसमें। बाकी जो फाइनल कॉल की एंट्री है ये आपको करने के लिए दे रहा हूं मैं, फाइनल, हाँ अच्छा हाँ 45, सॉरी मैंने पहले वाला देख लिया, 45,000। फाइनल कॉल की एंट्री मैं आपको करने दे रहा हूं, आप करिएगा फाइनल कॉल की एंट्री, मैं बता देता हूं फिर भी। चलो फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो भी 9000 × 3 27,000, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 27,000 रुपये। बताइए कोई डाउट नहीं ना, चलिए इसको एक बार नोट करिए। अगर डाउट होता है आपका तो आप बताइए, क्योंकि आज मुझे मेजरली ना एक सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में समझाना है, और उसके बाद फिर हम आएंगे एरियर वाले पॉइंट पे। तो पहले फटाफट इसको करिए, आप नोट कर लीजिए इसे।